ए भी कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या प्रूव करना है? ए बी माइनस बी ए इज टू सिमेट्रिक, राइट। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए के इक्वल, एंड बी डैश किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सो ए डैश विल बी इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, करेक्ट। क्या फाइंड करना है आपको? ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए फाइंड करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, करेक्ट। ए बी माइनस बी ए किस टाइप की मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड करना है। हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स का कब पता लगता है? जब हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। हमें इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करके देखेंगे, राइट। अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस या माइनस पे ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है। बीच में प्लस या माइनस है तो ट्रांसपोज क्या होता है? हो जाता है सेपरेट। ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज प्लस या माइनस पे सेपरेट हो जाएगा। ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो? बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बी ए ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी सबको याद है बच्चों, ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, करेक्ट। सो बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, माइनस ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा? सॉरी बच्चों, ये ट्रांसपोज ना यहाँ पर सेपरेट होना चाहिए था, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं हम? ए, और बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? बी, राइट। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी, राइट। सॉरी, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, राइट। देखो हमने क्या फाइंड किया है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड किया है, और वो किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव इक्वल आता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल आया है, सो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा नमन? ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अनिरुद्ध, ए बी सी होल ट्रांसपोज, अनिरुद्ध। यस सर, ए बी सी होल ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। अच्छा, ये रिवर्स ला से ओपन होगा, सबसे पहले सी ट्रांसपोज, फिर आएगा बी ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, फिर इनटू ए ट्रांसपोज। Find the value of x, y, z if matrix A is equal to this. Matrix A क्या है? Six question सभी ने कर लिया क्या? तो मैंने तो किया हुआ। अच्छा, खुद से करोगे? मैं hint दे देता हूँ। A matrix आपको given है, right?
ए मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है राइट. सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश इंटू ए आपको आई के इक्वल दिया हुआ है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू व्हाट, आई के इक्वल दिया हुआ है राइट. सो ए डैश फाइंड करेंगे, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और आई के इक्वल रख देंगे. यहाँ से आप कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को वैल्यूज को कंपेयर करके जो एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे सर. हाँ इक्वेशन सर वो वहां पे लिखा है बी इनटू बी इनवर्स है कि वो ट्रांसपोज है, कौन से क्वेश्चन लेफ्ट में, लेफ्ट में टॉप राइट ये इनवर्स है, इनवर्स इनवर्स है ना. ठीक है चलो सेवंथ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे एक बार. अच्छा कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा ना, अनिरुद्ध आपने कर लिया, तो 3.4 हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? अच्छा वो इधर है ही नहीं क्या? नहीं सिलेबस में नहीं है वो, तो कुछ लेने गया. ठीक है सर. ये जीरो के इक्वल दिया है अनिरुद्ध, आपने 8th क्वेश्चन कर लिया अनिरुद्ध? सर देखता हूँ शायद क्या. बच्चों इसको और इस इन फर्स्ट दो टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है, कर दोनों बच्चे. क्या क्या नहीं किया हुआ, मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ. तो 7 भी किया हुआ, 6 भी किया हुआ. सर 6, 2 और 4 आया, तो 6 होगा. ये 1 है या 2 है? 7 की जगह ये 1 है क्या सर? 1+ ये सर 1 है वो. फर्दर मल्टीप्लाई करो इसको, 0+4+4x. x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है एट क्वेश्चन करो. फर्स्ट पहले फर्स्ट कॉलम को तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस 0. सर 8th क्वेश्चन ये नहीं है, 9th सॉरी 9th. 8th अपने आप करोगे बच्चों, पीछे भी करके आए हम ऐसा सम करो, जरा 9th करो.
तो मल्टीप्लिकेशन संबंध अपने वहां पे के ऊपर जो 1 3 × 3 1 का ऑर्डर था इसमें 1 1 आ जाना चाहिए। कौन सा ऑर्डर? तो तीन नंबर कैसे आऊंगा समझ नहीं आया ऊपर वाले क्वेश्चन में। बताओ थर्ड लास्ट लाइन 1 2 3 ये हाँ ये तो यहाँ से आया बेटे। नहीं सर थर्ड लास्ट लाइन को आपने सॉल्व किया सेकंड लास्ट लाइन तक लिख किया मुझे समझ नहीं आया। 1 × 3 and 3 × 1 तो 1 × 1 तो सिर्फ एक नंबर होना चाहिए तीन कैसे है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो पहले बताओ। सर सेवेंथ का सेकंड लास्ट लाइन ये सेकंड लास्ट ये हाँ 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x ऐसे मल्टीप्लाई होगा। और अगर 1,1 का मैट्रिक्स बनना चाहिए तो 1,1 का मैट्रिक्स चाहिए। देखो 1,1 का ही मैट्रिक्स चाहिए सर 1, राइट 4 बस यही है समझ गया सर ये 1,1 का मैट्रिक्स है ठीक है। सारे हो गए मैंने लास्ट के वाले भी कर लिए। अंडर रूट 48 आ रहे हैं नाइंथ क्वेश्चन का आंसर। इसको सिंपलीफाई करो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 हो गया प्लस में 2x माइनस 8 आएगा दिस इज इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर इस मैट्रिक्स yes, को मल्टीप्लाई किया कितना आया ये 2x कट हो गया यस सर सो एक्स स्क्वायर माइनस 48 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 48 एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 48 तो x को क्या लिखा जा सकता 16 × 3 यानी कि 4√3 देखना आंसर यही है yes, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यही है 4√3 ठीक है। टेंथ क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं बताऊं? नहीं आप मतलब आपने किया हुआ है। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट है उसके पास एक्स वाई जेड मार्केट 1 और मार्केट 2 में इनको सेल करते हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है देखो बच्चों इन ये हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 80 दिस। अच्छा तो अब क्या आप यूनिवर्सिटी को की फर्स्ट एक्सरसाइज को रिपीट करके दिखाओ मुझे निकालो ये बच्चों प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड जेड को यहाँ मार्केट 1 में सेल हुए हैं। मार्केट 1 में प्रोडक्ट एक्स कितना सेल हुआ है 10,000। मार्केट 2 में वाई प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है 2,000। मार्केट 1 में जेड प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है 18,000। तो हमने ये लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाई और राइट हैंड साइड में इनके सेलिंग प्राइस से एक मैट्रिक्स बनाई कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है
फर्स्ट का ऑर्डर है टू।